बिहार के गया जिले के बोधगया में शराब माफियाओं ने हद कर दी, कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा। कब्रिस्तान को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। बोधगया थाना क्षेत्र के सिलाजा गांव में कब्रिस्तान को अवैध देसी शराब बनाने वाले माफियाओं ने कब्रिस्तान को शराब का भट्टी बना दिया। जब पुलिस को इसकी भड़क लगी तब पहुंची पुलिस ने कब्रिस्तान में जमींदोज देसी शराब बनाने के लगभग सैकड़ों कंटेनर जमीन खोद कर निकाले। दरअसल इस सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने परिजन को दफन करने के लिए बोधगया के सिलौजा में स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। लोगों ने कहा कि जब कब्र खोदे जा रहे थे तो उस वक्त अचानक देसी शराब की गंध तेजी से आने लगी। जमीन खोदने के दौरान कुछ जमीन दोस्त की एक कंटेनर देसी शराब मिले, तब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लोगों ने दी। पुलिस कब्रिस्तान पहुंचकर देसी शराब की बरामदगी के लिए खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई में दर्जनों कंटेनर देसी शराब के पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने जमीन दोस्त शराब के असली मालिक को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।